तो जी भाई 736 किलोमीटर एंड 15 घंटे, और ये गाड़ी वो तो आप देख के समझ ही गए होगे ना। ये देखो जी भाई, समझे, 17 सीटर अपनी फेवरेट ट्रैवलर, और ये ट्रैवलर है BS6। तो भाई BS6 गाड़ी मैं पहली बार लेके आया हूँ, तो केम छो, मजा मा ज रहेवानो। एंड गाड़ी चलाना तो सीट बेल्ट जरूर लगाना। फिलहाल तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कल हम सुबह निकले थे नवसारी से सुबह 5 बजे, और रात को 8 बजे यहाँ पे टिका दिया गाड़ी, मतलब 15 घंटे में ये गाड़ी लेके मैं यहाँ पे आ गया। भाई साहब ताबड़तोड़ गाड़ी चलाई, जो गाड़ी चलाई और क्या मस्त गाड़ी चल रही थी, मजा आ गया भाई। और वो जर्नी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों को जर्नी देखना पसंद नहीं है। अगर आप जर्नी भी देखना चाहते हो स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं पूरी की पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूंगा और वैसे वीडियो डाल दूंगा। बाकी आप लोग सिर्फ गाड़ी गाड़ी देखते हो और निकल लेते हो, ऐसा थोड़ी चलता है। जर्नी भी देखना जरूरी है, क्योंकि भाई डेस्टिनेशन तो वही रहती है, जर्नी अमेजिंग रहती है। तो आज हम रहे द्वारका में, और भाई यहाँ से क्या प्लान है कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। कल भी ऐसा ही था, मेरे को नहीं मालूम था कि द्वारका तक आना है। मेरे को लगा था शायद बीच में चोटीला या राजकोट रुक जाएंगे, पर भाई ताबड़तोड़ गाड़ी खींची तुम्हारे भाई ने, मजा आ गया। तो जी भाई ये है ड्राइवर सीट, और यहाँ पे देखो ये वायर दिख रही है, यहाँ पे एक्चुअली पंखा होता है, लेकिन इसमें पंखा अभी तक नहीं लगा, मतलब अभी गाड़ी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैंने एक वीडियो में बताया था ना आपको कि ये पंखा ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों ये देख रहे हो पसीने पसीने, जब भी कहीं पर रुकते हैं बैठते हैं तो ये पंखा ये हमें काम आता है, लेकिन इसमें नहीं है। अभी डलवा देगा भाई, थोड़ी गाड़ी अभी नई बनाई है, देखो दिखाता हूँ। ये देखो भाई अभी पन्नी भी नहीं निकली है, प्लास्टिक भी सीट की ऐसी है। और कल रात भाई अपन यहीं पे सोए थे, ये अपना टॉवल इग्नोर करना इसको, ये अपना बेड, ये देखो जी भाई क्या मस्त नींद आई यहाँ पे, और यहाँ पे पंखा है। तो जी भाई पंखा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो जी भाई गाड़ी यहाँ पे लगाई थी, ये देखो कैसी जगह है, और ये होटल गोमती, और ये देखो जी इतने में से लेकर ये 1X। तो सामने है सुदामा सेतु, और ये वाला रास्ता है ना यहीं से जाते हैं मंदिर की ओर। तो जी भाई देखो कितनी जगह में से तुम्हारे भाई ने गाड़ी लगाया। तो जी हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है श्री नागेश्वर महादेव, और द्वादश ज्योतिर्लिंग दारुका वन। तो आपको याद होगा 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें से ये भी एक ज्योतिर्लिंग ही है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और मैं भी जब पहली बार आया था ना तो मेरे को नहीं पता था कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो जी ये रही अपनी गाड़ी, और सामने महादेव है और इस तरफ उनका मंदिर है, तो मंदिर में जाएंगे अभी। यहाँ पे पवन बहुत है, हवा बहुत है, तो पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही होगी, और अंदर चलते हैं, अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। तो जी भाई अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, अभी
पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लो। बाकी इस बार मंदिर के अंदर देखते हैं। तो जी मंदिर में दर्शन करके बाहर आ गए और यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप द्वारका आ रहे हो तो यहाँ पे आना तो मस्ट है और मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो यहाँ पे आके जरूर पूजा अर्चना कीजिए, महादेव आप सबकी मनोकामना पूरी करेगी। तो जी भाई मंदिर में दर्शन कर लिया, आई होप आप सब लोगों ने भी दर्शन किए। आज भीड़ बहुत ही कम थी तो अच्छे से दर्शन हुए। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो भाई जहाँ पर देखो इतनी सारी गंदगी है यहाँ पे, नारियल वारियल कचरा वचरा ये सब देखो। तो जी भाई नागेश्वर से वापस द्वारका गए, वही सेम होटल पे, होटल गोमती, और गाड़ी वहीं पे लगा दिया है। और बाहर है ना, दिखाता हूँ, ये देखो हम देख लो, इसे पे देख रहे हो बारिश आ रही है और बहुत सारे बादल है काले काले। तो जी भाई यार बाहर जाने का मूड नहीं है क्योंकि भीग जाऊँगा फिर दिक्कत रहेगी। अगर बारिश रुकी और खुला आसमान तो बाहर जाएंगे और यहाँ पे घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बाकी कल भी यहीं रुकने वाले सेम होटल पे और पूरा दिन यहीं पे है, आराम ही करना है, कुछ करना तो है नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ तो दिखा दूंगा। तो जी भाई मैं हूँ अभी गोमती घाट पे और यहाँ से मस्त नज़ारा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी भाई क्या प्यारा नज़ारा है, और बादल तो वैसे ही आया जा रहा है, ब्लैक ब्लैक देखो, वो रहा अपना द्वारकाधीश का मंदिर। और बाकी ये सुदामा ब्रिज अभी बंद है तो मरम्मत कुछ चल रही है ऐसा बोला, तो सब लोग ऐसे ही जा रहे हैं। देखो और देख रहे ऊँट के ऊपर बैठ के सामने की ओर जा रहे है। अभी मेरा बहुत मन था कि मैं सामने की ओर जाऊँ पर नहीं जा सकता यार। तो भाई बेड पर आ गया हूँ, तक ऐसा कुछ काम तो था नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे और एक होटल पे खाना खाने के लिए गए थे, खाना खा के वापस आ गए, उसमें तो क्या ही दिखा था। अब कल का क्या प्लान है अभी तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो आपको मैं सुबह बताऊंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं,
वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।